द्वारे तेरे द्वारे तेरे द्वारे तेरे द्वारे तेरे सर्वकला समर्थ दुर्लभ ते रखो प्रभु नानक दे करत मेरे सिर ते हथ रखो जी मैं किते डोल ना जावा डोल ना जावा सिर ते हथ रखियो जी किते डोल ना जावा डोल ना जावा सिर ते हथ रखियो जी मैं किते डोल ना जावा डोल ना जावा सिर ते हथ रखियो जी मैं किते डोल ना जावा डोल मेरे सिर ते हथ रखियो जी किते डोल ना जावा डोल ना जावा मेरे सिर ते हथ रखियो जी किते डोल ना जावा डोल ना जावा सिर ते हथ रखियो जी मैं किते डोल ना जावा डोल ना जावा हाथ रखियो जी मैं किते डोल ना जावा डोल ना जावा किते डोल ना जावा मैं किते डोल ना जावा किते डोल ना जावा किते डोल ना जावा किते डोल ना जावा मैं किते डोल ना जावा किते डोल ना जावा मैं किते डोल ना जावा मैं किते डोल ना जावा किते डोल ना जावा किते डोल ना जावा किते डोल ना जावा मेरे सिर ते हथ रखियो जी किते डोल ना जावा डोल ना जावा
मेरे सिर से अक्ष रखियो जी किते डोल ना डोल ना रखो प्रभु नानक देख हाथो परम सत्कार जो गुरु रूप गुरु खालसा सत्संग जीओ आप सारे माई भाई चंगे कर्म वाले हो चंगे समय वाले हो और जिहड़े सत्संग दे विच चल के आए हो क्योंकि जिहड़ा मानस देही दा कर्म है ना वह कर्म ही सत्संग दे विच आउणा सत्संग दे विच आके साहब श्री ग्रंथ साहिब महाराज के पित्र चरणा दे विच नमस्कार करनी नमस्कार करके चौकड़ा मार के बैठ जाना है जिधर भाई बैठे ने भाई जिधर बीबियां बैठे ने बीबियां अपनी अपनी जगह ते आसन ला के बैठना है क्योंकि सत्संग दे विच आउण दा किड्डा बड़ा फल है ना एक छिन्न एक सकिंट नूं कहिंदे ने भाई एक छिन्न भी जे मन एकाग्र हो जावे मन एकाग्र दा किन्ना फल मिलदा एक करोड़ उसमें जग दा फल एक छिन्न दा एडा बड़ा फल मिलता है मन एकाग्र बिरति किवें लाउणी है उहदा भी कोई मर्यादा है भाई जिवें आप सारे भाई भाई बैठे हो चौकड़े मारो चौकड़े मार के जिहड़े नेत्रहीन दृष्टि है नेत्र भी जिहड़े दर्शन करने ने वह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे करने ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरणा दे विच दर्शन जिहड़ी भी बाजे दे उपरों धारना दा शब्द आउंदा है उहनूं बोलिया करो रसना पवित्र हुंदी है सत बोलने से बोलिया करो ਜਦੋਂ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੁਣਨੀ ਹੈ
शब्द गुरु सुरत तुन चेला शब्द नु गुरु दस्या कि शरीर नु गुरु ने दस्या कि ग्रंथ नु गुरु ने दस्या नहीं शब्द गुरु है शब्द गुरु सुरत तुन चेला ते ए वृत्ति ऐदा रख के बैठना नेत्र गुरु ग्रंथ साहिब बारे चरणा च किधर नहीं देखना इधर उधर गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणा च देखना और जो भी धारणा होंगी बोलना रसना वध तो वध बोलो अपने कन्ना दे नाल वो बात सुनो फिर जो शब्द है वो शब्द केड़ा अज देखो किसी भी समय में जिदा राज होगा मुहूर्त वो चलूगी ना ये मनोगे तुम अज दिल्ली तख्त के उपर मोदी बैठा तो मोर मोदी ही चलनी है किसी और नहीं चलनी है अज कलयुग के कौन है अवतार कलयुग का राखा कौन है वह है श्री गुरु नानक देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज जो सचखंड के शब्द लेके आए ने वो शब्द न छत्ती युग जो कन्ने होंगे छत्ती युग लाए ने गुरु नानक पातशाह ने किहड़ा शब्द है जिहड़े शब्द नूं आपां मंनदे आ जिहड़ा शब्द अपने अंदर आ जिहड़ा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आ और जिहड़ा शब्द सचखंड दे विचों गुरु नानक देव जी बाहर लैके आए ने इस तरह पढ़ना पहला जथा बोले करो एक सुर दे विच मत घट नहीं बोलना उस तो बाद दे विच भाई बोलिया कर मत तो मत बोलिया करो और उस तो बाद दे विच बीबियां एक छोटे बिच बोलना है फिर तुम्हें एक छिंदे बिच करोड़ रुपये जगत पढ़ मिलूगा और किहड़ा शब्द है शब्द गुरु सुरत तुन चेला किनू कहा किहड़ा शब्द है इस तरह पढ़ो सारे भाई भाई सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 Yeah, cool.
सतनाम 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु शब्द एक कलयुग का शब्द है भाई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस शब्द लिया की खातर इस शब्द जपन की खातर 36 युग लाए। देखो 36 युग जो वाहेगुरु शब्द है वो किन्ने अखर ने? 4 ने। बाबा हाहा गग्गा राणा एक एक हरफ नौ युग लाए ने गुरु नानक जी ने। 9 युग बावे नू, 9 युग हाए नू, 9 युग गगे नू, 9 युग गुरु नू, 9 चौका 36। 36 युग श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कालना काल के तपस्या करके ये शब्द साढ़े जपण के वास्ते लगा। अज जिहड़ा भी ये शब्द नूं जपूगा उसदे बिड़े पार होणगे। हुण इह दा शब्द हैगा गुरु नानक देव जी महाराज दा। हुण इह शब्द जपण दी विधि भी है, कोई भी शब्द दी विधि है, कोई भी मर्यादा है वह मर्यादा मर्यादा ही है, विधि विधि है। जिहड़ा आपां वाहिगुरू शब्द का अभ्यास करते हैं जदों चौकड़ा मार के, तो कोई माई भाई मैनू ये दसे भी तुसी अद्धा घंटा बहुता नहीं, जे अद्धा घंटा ही वाहिगुरू शब्द का सिमरन करते हो जा कोई होर शब्द का सिमरन करते हो अद्धा घंटा थोड़ा मन कागर होंदा नहीं होना कहता बिरला कोई आऊगा। मन कागर नहीं होना शब्द के विच, मन किते भजिया फिरदा, आप किते बैठे हो, शरीर छड्डा किते है, नेत्र किते ने, रसना किते है, जदों मर्जी बह जाओ। जे तुसी आप गल्लां करदे हो, कोई किसी की ईरखा दी गल्लां करदे हो, निंदा दी गल्लां करदे हो, फिर थोड़ा मन काकर हो जाऊगा, थोड़ा मन जुड़ जूगा। क्यों जुड़ू? ये अज प्रभाव है कलयुग का। अज सारी काल की फौज है, काल की बचाउण तों फौज की खातर एक महापुरश रब दे प्यारे ये गुरु नानक देव जी महाराज ने संसार दे विच भेजे ने। तो इस तरह सतसंग जी ये मन कागर किवें हो, मैं तुहानूं विधि दस्सदा किवें होगा। ये 4 बाणियां ने, 4 बाणियां, 4 खाणियां, 4 युग, 4 वेद, 4 वेद ने, 4 युग ने, 4 बाणियां ने, 4 खाणियां ने। हुण इहनां दे विच 4 दे विच जिहड़ा है ये जाप करना। तुसीं जाप किसी भी महापुरश तों लिया, कोई भी मंत्र लिया वाहिगुरु शब्द तों इलावा भी, ये भी जदों तुहाडा मन कागर होऊ ना, ये 4 बाणियां विच होऊगा। 4 बाणियां कहिड़ियां ने? 4 बाणियां ने पहिलियां बैठी बाणी, मधवा बाणी, बसंती बाणी, परा बाणी। 4 बाणियां ने। और इन्हां की मत पर 4 बाणियां दा की इनका प्रभाव आ, की इनकी मर्यादा? किसी भी शब्द नूं पहला जाप करन लगदे आपां उह तुसीं पहला बैठी बाणी विच करना पऊगा। बैठी बाणी दा भाव की? बोल के हौली हौली बोलो, बोल के अपनी आवाज अपने कन्नां नाल सुणो। जिहड़े महापुरशां नूं मंनदे हो उन्हां महापुरशां दा सरूप अपने नेत्रां दे मूहरे लै के आओ, फिर चौपड़ा मार के बैठो, थोड़ा मन कागर होने लग जाऊगा। इहनूं बैठी बाणी कहिंदे ने, बोल के करना। इस तों बाद बसंती बाणी आउंदी है, तो उहदे विच की करना?
फिर बोल के नहीं करना, जिम्मे आप कर्ज गल करते हैं इस तरह कंठ के बच्चे ही करना हौली हौली, बाद फिर भी अपने कन्ना सुनने समझती। और जदों सतसंग जी जी चौथी जी बाणी है जी, चौथी जी बाणी है परा बाणी, वो परा बाणी का जो शब्द है सिमरन है वो इतने नापी है, इतने हिरदा चक्करा पैर के बूटे से लैके दसवें द्वार तक थोड़े अठ चक्कर ने शरीर के बच्चे, जिन्हें चक्करों के बच्चे सब कुछ मिलता ध्यान लाना परमेश्वर के राउंड देखने के। हुण साध संगत जदों आपां परा बाणी विच आ गए ना, उत्ते फिर थोड़ी जिहड़ी जबान जिहड़ा कंठ जिहड़ा बोल के करदे आ उहनूं बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इत्थे तक कहिंदे ने जाप, जिहड़े मैं तुहानूं दसदा ना चारे बाणी तक, इत्थे तक जाप आए। कोई कहिंदा जी मैं इन्नियां माला करदी आ, कोई कहिंदा मैं अद्धा घंटा कर लिया, कोई कहिंदा जी मैं दो घंटे कर लिया, कोई कहिंदा जी मैं 20 मिनट कर लिया। ये जाप आ, ये जाप तो बाद मेहनत करके फिर आपां जप्पा बनाउणा। जदों जप्पा बन गया तो जप्पे की कीन छानी है, उत्ते ना तो जबान हिलूगी, ना बुढ़ हिलणगे, तो ना उत्ते कंठ हिलूगा, उत्ते सुरत दे नाल ही शब्द विच सिमरन होणा। सिमरन सब दे अंदर हो रहा, कोई ऐसा नहीं जिहदे अंदर सिमर नहीं हुंदा, सब दे अंदर सिमर हुंदा। जिहदे अंदर सिमर नहीं हुंदा वह वड्डा हो जाता, वह तो फिर रहिंदी नहीं शरीर दे विच। पर सिमर होण जिहड़ी विधि है वह विधि तुहानूं मैं दस्सी आ, इहनूं जप्पा बनाउणा। जप्पा दे विच आ के यही धुन फिर अंदरों थोड़े आ सुनने, इस तरह बोलो कि तुम सुनने सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जपो सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम सतनाम
सतनाम जी वाहेगुरु 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 जपो सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम जी वाहेगुरु 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 जी जरा जाप ना साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र बाणी एक ओंकार तो लैके 1430 अंग तक यही भजन किए गए ने भाई नाम जपो सिमन करो कितने ये लिखा है ग्रंथ भी नाम पढ़ो दसो कितने है कितने नहीं लिखा हुआ नाम पढ़ो नाम पढ़ो नाम पढ़ो नहीं ये लिखा होया नाम जपो नाम जपो नाम जपो कोई महापुरुष तुम्हें कहते भी नाम पढ़ो पढ़ो जपो ना नहीं सारे कहते ने चौकड़ा मारो नितें दृष्टि में उस तरह रखो जिहड़ा किसी महापुरुष का जाप है जाप जपो उहदे विच थोड़ी जिहड़ी है ये अंबर लेखे पैनी है मानस जी लेखे पैनी है जिहड़ा आपां नूं कम करने वास्ते परमेश्वर ने भेजिया है। हुण मैं दो ही भगत नूं नाल चलाऊंगा किहड़ा तुहानूं सिमरन बारे भी दसूंगा किवें सिमरन करना किहड़ी मर्यादा सिमरन करन दी किथे तुहाडा मन टिकूगा तुहानूं उह भी दसूं बाहरों नहीं बाहर कुछ नहीं है बाहर की है रजो तमो गुणो ये सब तेरी माया है बाहर सारी माया ही है माया माया जिधर देखते हो माया आज जिहड़े तुहाडे नेत्र ने ये अन्ने ने आज जिहड़े नेत्र ने आपां ना ये अन्ने ने अन्ने क्यों ने ये देखते ने बाहरली दृष्टि नूं ये अंदरली नहीं देखते अंदर नहीं है अंदर हैगा नाम अंदर हैगा सिमरन अंदर हैगा शब्द जदों अंदर शब्द के दर्शन हो गए ना सुनूं फिर बाहर होंगे जिन्ना चिर अंदर नहीं होंगे उन्ना चिर बाहर नहीं होंगे अंदर जाना अंदर मुख सुरत अंदर लैके जाओ एक बारी अंदर जाके जिन्हें अंदर चक्कर ने पैर के अंगूठे दसवें द्वार तक नाभी चक्कर हिरदा चक्कर नक दी कुमल चक्कर आग्या चक्कर ईड़ा चक्कर पिंगला चक्कर सुखमणा चक्कर दसवां द्वार चक्कर ये सारे चक्कर ने शरीर के बिच फिर जिहड़े रूहानियत महापुरश ने जिहड़े इहदे दर्शन कराउंदे ने ओह फिर इन्हां चक्करां विचों कढ के सुरत नूं पार ब्रह्म दे विच लिजांदे ने जिते तू ही तू तू ही तू तू ही तू आ उत्थे लिजाणा असल सिमरन फिर ओह है इस करके सतसंग जी ये आपां नाल दी नाल तुहानूं दस्सांगे ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਉਣਾ
ਕਿਤੇ ਸੁਰ ਤੁਰ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕਸਨ ਸੂਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਸਾਖੀ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਭੂਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜੁਰਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਝੂਠ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਬੈਰ ਈਰਖਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਲਦੀ ਹੈ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੰਡੇ ਪੱਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਮੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਹਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, 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 ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਪਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਮਨਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਨਮੁੱਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कोई भी कम करता जरा गुरु के बचन मन के कम करता, जेड़ा गुरु के बचन की कमाई करता, जेड़ा गुरु के बचन का कहना मानता गुरु का, उन्हें कहते हैं गुरमुख। गुरमुख उसका धरती से बोझ नहीं है बल्कि लहजा उन्होंने, उन्हें कहते हैं गुरमुख। जेड़ा किसी महापुरुष के बचन नहीं मानता, गुरु के बचन कमाता नहीं है, जा वो गुरु के बचन के ऊपर चलता नहीं है, उन्हें कहते वो मन दे आखे लगता, फिर उन्होंने कहते हैं मन, वो मन मुखा, वो जो मन मुखड़े ना उन्होंने बोझ है धरती। हुण तुसीं देखना भी आपां किन्ने क मन मुख आ किन्ने गुरु वाले आ। जे गुरु वाले हाँ तो धनता योग हो, धरती उपर बोझ नहीं हो। जे तुसीं गुरु वाले नहीं तो अज जो पन करके जाए गुरु वाले बने हो। खंडे बटदा अमर छक के गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र बाणी के नाल जुड़ के और तुमने फिर इस धरती के उपर बोझ हौला करना, गुरमुख बनना है। और धरती से बोझ हो गया डोलन लग गई, पकार की अकाल पुरख वाहगुरु ने। देखो जे कोई घर के बिच अपना बच्चा, वो बच्चे नूं कोई दुख होवे, कोई तकलीफ होवे, वो बच्चा किन दिखा गुआढ़ियों ताए चाचे नूं भैन भाई नहीं। जे कोई बच्चा पुत्र धी दुखी है, कोई वो दुख महसूस करता, वो दसू अपने मां प्यो नूं, कहो ना मां प्यो नूं। और जदों धरती से बोझ पैंदा ये किनू कहती है, फिर ये कहती है परमेश्वर काल पुरख वाहगुरु पिता दा। ते जदों कोई बच्चा होवे, बच्चे नूं घर दे विच दुख होवे, वो दसूगा माता और पिता नूं इन्हां दोनों दे विचों दर्जा किनू दित्ता महाराज ने याद है, माता ते पिता दो आ गए, इन्हां विचों किनू दर्जा दित्ता। जिसका मन नर्म होवे, जिसका मन पिघल जावे, जिसका मन उन्हें क्षमा करे, उन्हें माफी करे, वो माता दा, वो माता दा। माता दा किवें है, वो बाणी कहती है, असीं नहीं कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, की कहते हैं, इस तरह भरोसा सुन। प्यारी माता याद ना रख दी, अब गुण पुत्रां दे माता याद ना रख दी, अब गुण पुत्रां दे अब गुण याद ना रख ली, आओ गुण पुत्रानी प्यारो माता याद ना रख ली, अब गुण पुत्रानी जी।
मेरे प्यारे अवगुण पुत्रावे, मेरे प्यारे अवगुण पुत्रावे। अवगुण पुत्रावे मेरे प्यारे, अवगुण पुत्रावे प्यारे जी, अवगुण पुत्रावे प्यारे जी, अवगुण पुत्रावे याद ना रख दी, याद ना रख दी अवगुण पुत्रावे, माता याद ना रख दी अवगुण पुत्रावे। ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਗੰਦੇ ਹੋਣ, ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮ ਦਿਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਖਣ ਮੱਖਣ ਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਆਪ ਗੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਐਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਸੇਵਕ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹੁਣ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ,
परमेश्वर कारकुक वाहगुरु पिता दे अगे की बेनती करती है। हे सच्चे पातशाह कृपा करो मैनू एक पुत्र की दात बख्श दो, पुत्र की दात बख्श दो। मैं तो कालू राय भौ की तलवंडी पाकिस्तान दे विच, मैं तो कालू राय बराड़ का पटवारी सी, उसकी बड़ी बुख सी इलाके दे विच, वो भी बड़ा पुन करता, बड़ा दान करता और बड़े साधु संत महापुरुषों की सेवा करता। भी साढ़े घर के बीच एक पुत्र आया वे, देखो एक ध्यान रखियो महाराज जी बाणी का शब्द है, पुत्री गंढ पवे संसार। घर के बीच थोड़े हीरे जवाहरात मोती जेड़ियां तक भरे होण, कोई पता ना होवे किन्नी जायदाद किन्नी माया, पता ना होवे किन्ना धन दौलत पता ही ना होवे, पर जे घर दे विच इक पुत्र ना होवे ना तां उस घर दे विच खुशियां नहीं होंदियां, नहीं होंदियां। ए पुत्र दी जात पार ने पुत्री गंढ पवे संसार, जे घर दे विच पुत्र होऊगा तां अगे नूं वो कोड़वा चलता, फलाने का पोता फलाने का दोता फलाने का पड़ोता, ये चलता कि नहीं चलता? गल्ला चल दिया सारिया, आ फलाने का मुंडा बई, आ फलाने का पोता बई, आ फलाने का दोता बई, फलाने का पड़ोता बई, प्रगा बढ़ जल्दी गल्ला, ये कुर चलती होंगी है, पोता तो बगैर नहीं चलती है। हूँ इस तरह ही माता तृप्ता जी भी अरदास करते हैं वाहेगुरू के अगे, मैं तो कालू जी बड़े पुणदान करते हैं। अखीर नूं एक दिन तुसी किसी भी महापुरुष के चरणों में गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के चरणों में गुरु ग्रंथ के चरणों में तुसी अरदासा करी जाओ, किसी भी चीज़ की लोड़ है। महापुरुष गुरु इनो जहर मगरो जहर भी दे देंगे, अमृत मगरो अमृत भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। क्योंकि महाराज ने दसिया कहते पहले तो सानू पता ही नहीं मंगना की है ना, सानू ये नहीं पता आप कहड़े भी महापुरुषों को जाने हाँ, किसी महापुरुषों के नाल जुड़े हुए हाँ, हाले तक तुहानू महापुरुषों तो मंगने से नहीं पता की मंगना। कोई गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में आता मत्था टेकते हैं, हाले सानू मंगते नहीं पता की मंगना, मत्था टेकांगे महापुरुषों को जावांगे की मंगांगे, महाराज जी सानू धन दौलत दे दो, सानू जायदाद दे दो, सानू जमीना दे दो, साडे पुत्र बहुत हो जाना, साडी जगीर बड़ी बच जाए, आई मंगांगे। इहदे बारे महाराज जी कहते हैं बेन तो होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखिया उतरे मन दी भुख। महाराज कहते नाम तो बगैर जे आप किसी महापुरुषों के कोलों मंगते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में आके जे आप कोई मंगते हैं ता आपां कदे भी ये झूठियां मंगा ना मंगो, ना दे दूं इत्थों जिथे तुसीं बैठे हो ना, अज जो मर्जी खजाना ले लो मैं दावे ना करा मिलूंगा, अमृत भी मिलू जहर भी मिलू, पर सोने देखना भी की लैना है। हुण इह गुरु महाराज दी बाणी कहिंदी आ बिन सुध होर जे मंगणा, सिर दुखां के दुख दे नाम संतोखिया उत्ते कहते पला अट लिया करो, किसी महापुरुषों को जाने पला अट लिया करो, गुरु ग्रंथ साहब चरणों में अरदास कर दो, की मंग मंगनी आ मंग मंगया करो, इस तरह करो।
देवना जी सानू नाम बंदगीरा पावना जी सानू नाम बंद सानू देवना जी नाम बंदगी दा साडी झोली विच महापुरशो नाम दी दात पा दो। साडी झोली विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज वाहिगुरु शब्द दी दात पा दो। सानू और कुछ नहीं चाहिदा। पर अज आपां जिन्ने संगत बैठी है तुसीं अपने हिरदे विच देखो टोके कोई बिरला होऊगा जिहड़ा ये मंगदा होऊगा। मंग नहीं मंगदे, पुत्रां दे दो, धी दे दो, जमीना दे दो, पैसे दे दो, कारोबार साडा इन्ना वधे, वह क्यों मंगदे हो जहर? जदों जहर मंगदे आ फिर दुख हुंदा, फिर महापुरशां नूं उत्थे फिर लपटाउणा पैंदा, फिर गुरु ग्रंथ साहिब नूं दुख दूर करना पैंदा। नहीं कहिंदे जे तुहाने मंगणा नाम दी दात मंगिया करो। जे फिर नाम दी दात मंगणी फिर की मिलूगा तुहानूं? गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने जां जिहड़े महापुरशां कोल जांदे हो किसी भी महापुरश तुहाडा भरोसा, फिर वह महापुरश की कहिंदे ने? तुसीं ऐ करिया करो भाई, वाहिगुरू 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 नाम जपिया करो। सतवचन महाराज मिल गई वाहिगुरू दी दात तुहानूं, फिर अंदर ही जवाब आउंदा। कहते जे तू वाहेगुरू नाम जप गया तेन की दवागे? जरा पर नाम जपता वो अंदर ही कहता महाराज जे मैं वाहेगुरू नाम जपन लगे भजन कर लगे फिर मैं की दवोगे? सब कुछ अंदर ही है, अंदर ही बाजा आदियां ने, अंदर ही गल् आदिया ने, बहर नहीं। फिर महाराज जी कहते पर की दवागे भाई? प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्
गुरु महाराज कहते जे तू नाम सिमरेगा तू भजन करेगा फिर तेन की देवे नौ निधिया 18 सिद्धियां चारे पदार्थ बन जाते ऐ दर के उपर मिलते हैं चारे पदार्थ। जो कोई चार पदार्थ मांगे कहते सात जना की सेवा लागे जे कोई चार पदार्थ मांगे सात जना की सेवा लागे वो कहते साधु कहते नाम जप के देख तेन चार पदार्थ बन गए तू सेवा करके देख तेन नाम पदार्थ बन गए इस तरह पढ़ो सारे भाई भाई सेवा कर ला जिंदड़िए जे चार पदार्थ लें सेवा कर ला जिंदड़िए जे चार पदार्थ लें सेवा कर ला जिंदड़िए जेठा चार पदार्थ लैने नाम जप ला जिंदड़िए जेठा चार पदार्थ लैने जेसा चार पदार्थ लैने जिंदड़िए चार पदार्थ लैने जेसा चार पदार्थ लैने जिंदड़िए चार पदार्थ लैने जेठा चार पदार्थ लैने जिंदड़िए चार पदार्थ लैने जेठा चार पदार्थ लैने जिंदड़िए चार पदार्थ लैने नाम जपला जिंदड़िए चार पदार्थ लैने सेवा कर ला जिंदड़िए चार पदार्थ लैने चार पदार्थ किड़े ने होना किड़े चार पदार्थ आपां गुरु ग्रंथ साहब तो मंगदे हाँ जिहड़े किसे महापुरशां दे कोलों मंगदे हाँ तुहानूं पता भी चार पदार्थ किड़े ने धर्म अर्थ काम मोख धर्म
अर्थ काम मोख ये चार पदार्थ ने। चारे पदार्थ तिने लोकां दे सुख चारे जुगां दा फल इस सृष्टि का फल। एक थोनू चार पदार्था विच मिलू किवें मिलू इहदा संग भी दस्सिया किहदे संग करना पऊगा किहदे संग विच रलना पऊगा ये भी दस्सिया ना। हुण देखो जे हुण आपां दारू पीण दा संग करदे हां दारू पीण वाले दा हुण दारू पीण दा संग जदों करदे आपां उहनूं आपां की कहांगे शराबी दारू पीण वाला शराबी दा संग शराबी। जे हुण आपां किते जूले खेडण वाले दा संग करदे जवारीए दा उहनूं की कहांगे जवारीआ। जे किते निंदक कोल बैठदे आपां उहनूं की कहांगे अनिंदक आ गया बई लग जांदा ना वस्तुआं पिछों। हुण जे आपां बाणी पढ़ांगे सिमर करांगे जां आपां ब्रह्म नूं ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਵਰਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। देखो इनू ब्रह्म का ज्ञान हो गया ना फिर इनू मरतबा लग गया तो ज्ञान का ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उसके बारे की कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। कितने बंदा होंदा कितने शराबी होंदा कितने कबाबी होंदा कितने जुआरी होंदा कितने लड़ाई झगड़े करने वाला होंदा है जिन्हों फिर ब्रह्म का ज्ञान मिल गया ब्रह्म ज्ञानी बन गया। तो साध संगत उसकी फिर सेवा शिवजी वर्गे भी करते हैं ऐसा पढ़ो ये महाराज जी बाणी कहती है शिवजी पालदा फिरदा ब्रह्म ज्ञानी शिवजी पालदा फिरदा ब्रह्म ज्ञानी शिवजी पालदा ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ 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 ਓ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪਾਲ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
शिव जी पांगा फिरदा परम ज्ञानी, शिव जी पांगा फिरदा परम ज्ञानी, शिव जी पांगा फिरदा परम ज्ञानी, परम ज्ञानी को खोजे महेश्वर। सुखनी साहब महाराज बाणी पढ़ के देख लो, गुरु अर्जन पातशाह के वचन है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर भालदा फिरदा। जो रब के पैरे महापुरुष बैठे होंगे ने अपने कमरे च अपने स्थान के उपर, तड़की 3 बजे तो लाइना लग जाए ने मूहरे कमर के आ देवते ने जोड़े 33 करोड़ देवी देवता जोड़ा आत्मा नहीं खड़ा होंगे महापुरुषों को। क्यों? जे साडे उपर माड़ी जी नजर पै जाए किसी महापुरुष से तो साडा भी उद्धार हो जाए, जन्म मिल जाए। एक ही भाव जो 33 करोड़ देवी देवता ना ये पत्थर देने पाई कि याद रखियो, ये अपने कहते 5 तत्व मिट्टी अग पानी आकाश ते हवा, ये 5 तत्व शरीर आ। जेडे 33 करोड़ देवी देवते ने ये सारे पत्थर दे ने, ना बोल सकते ने ना चल सकते ने ना कर सकते ने, ये तो तड़ते बेचारे। आप अजे पत्थर में पूजी जाने, देखो पत्थर में पूजा महापुरुषों की निंदा करते हैं, महापुरुष चंगे नहीं लगते, पत्थर चंगे लगते ने, कमाल की गल है भाई। पत्थर पूज के नरकां नूं जाणा, महापुरुषों नूं पूज के सुरगां नूं जाणा। बाणी दसदी सक, मैं नहीं कहता, बाणी कहती है गुरु अर्जन की दसा करना भाई। साधु की धूड़ करो इशनान, साधु उपर जाइए कुर्बान, ये गुरु अर्जन देव जी मारे पाठ चरण सपोर्ट। खोजा नहीं जिंदे तू सा तूड़ी साधुआ, बनता नहीं जिंदे तूड़ी साधुआ भी, बनता नहीं जिंदे जानी जिंदे तूड़ी साधुआ भी, तू बन जानी जिंदे तूड़ी साधुआ भी, तूड़ी साधुआ भी, तूड़ी साधुआ भी जिंदे तूड़ी साधुआ भी, बन जानी जिंदे तू सा तूड़ी साधुआ भी, बन जानी जिंदे तूड़ी साधुआ भी, बन जानी जिंदे तूड़ी साधुआ भी, बन जानी जिंदे तूड़ी साधुआ भी।
की धूड़ करो इशनान, साधु उपर धूड़ का की भाव आ, धूड़ का भाव ये भी अपने रेते लेटना नहीं, रेते नहीं लेटना अपने सारी धूड़ का की आ, साधु का संग करना, संग करके साधु के बचन मनने ने, साधु के बचन कमाने ने, तो इसलिए साधु ने महात्मा ने नाम ने जपन वाले वो बचन अपने वर्गे बना लगे। देखो आप कोई किसी चीज को झाल फेरते हैं, सोने झाल फेर के वो सोने वर्गा बन जाता पर सोना नहीं बनता है, पत्थर सोने वो लोहे तो सोना बन जाता पर सोने तो पत्थर नहीं बनता होता। महापुरुष एक ऐसे पदवी ने, महापुरुषों को एक ऐसी ज्योति है वो सेब को अपने वर्गे बना देने अपना रूप दे जाते हैं। अपना रूप ही दे जाते हैं महापुरुषों को। तो इस तरह साध संग जी ये पहला चार पदार्थ लिया करो, फिर जो तुमने मंग मंगनी है ना कितने भी जावो कदे भी तुम दया भी मंग ना मंगो, वो जहर आ। तुसी नाम की जात मंगया करो, जो नाम सिमर कर लग गए घर नाम आ गया ये जात मगर भजिया बन गई। हूँ आप पहला पक्ष लाना नाम आला, जो तुमने चौकड़ा मारना आसर जरूर डाना पड़ता नामे को, चौकड़ा मारो शब्द जो शब्द है ना शब्द वो शब्द की धुन सुननी है सुनते हैं पहले जो शब्द आ वो शब्द धुन सुननी है अंदर अंदर ही बाहर जाऊगी अंदर बाहर नहीं कुछ है धुन सुननी है। जो तुम शब्द की धुन सुन लग गई अंदर फिर सिमर करियो, मत तो मत सिमर करो, बधाओ सिमर को बधाओ। जो थोड़ा शरीर सुन हो लग गया पैर के गुटे लैके कंठ तक सुन करना शरीर को, इतने तक शरीर के चाहे कोई मेखा कटी जाए सूइया खोई जाए पता ना लगे इन्ना सुन हो जाए, मैं प्रेशर कर दिया डॉक्टर प्रेशर करता ना इंजेक्शन ला आता एक सुन करता पाड़ी जाओ पीड़ जाओ कुछ करी जाओ पता नहीं लगता। इस तरह जो नामी पुरशा नामी पुत्र जो इस शब्द को पाना जो शब्द धुन सुननी है उन्हें शरीर को सुन करना ये सुन इतने तक आऊगा कंठ तक सारी हद टप के जो टप के गए ना इस तो फिर तुम्हें बाज आऊगी अनद एक अनद शब्द है फर्क जे नामी ने नाम जपते उन्होंने पता अनद की होंगे उपर अनहद की धुना पैनगियां अंदरों सुनगियां आनंद आऊगा। कोई कुछ करी जाए कोई कुछ कही जाए उन कोई परवाह नहीं रहती है वो आप क्यों अंदर धुन चलती है। और देखो मिर्ग आ मिर्ग जो जंगल भजदा छाला मारता बड़े बड़े मारता ना छाला वो मगर नहीं कोई पिया हों की होंगे मिर्ग की धुनी के पिछे कस्तूरी आ जो मिर्ग पैंदा ये अपना मूँह अपनी धुनी ना ला लेता जो धुनी का मूँह लगता कन लगता इनू स्मैल आती है अपने अंदरों की स्मैल आती है कस्तूरी की कस्तूरी अंदर आए फिर वह मिर्ग की करता बाहर थाला मारता भजा फिरता जंगलों च भजा फिरता झाड़ा च अपना शरीर परिवार झाड़ा से हिलना
पर यह नहीं पता लगता मूर्ख को भी जड़ी चूनी पहाड़ तेरे अंदर आ कस्तूरी तेरे अंदर आ जी नाम रूपी कस्तूरी है ना ये थोड़े अंदर बाहर नहीं हैगी। आप अज कि फिरते हैं बाहर पहाड़ते फिरते हैं जंगलों पहाड़ते फिरते हैं जे जंगलों मिलनी होंगी है 36 साल फरीद ने जंगलों से गाड़ चाहिए उन्होंने मिली नहीं है जी नहीं मिली जो मिलू किसी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जिहड़ा आप वो पिंड गया हो जिहड़ा आप वो नगर में गया हो जिन्हों आप वो रास्ते का पता जिन्हों आप ना मंजिले हकीकत का पता वो थोड़ू फिर मंजिले हकीकत पहुँचाऊगा। जे मैं हूँ पिंड से नहीं पता उन्हें पिंड पट्टी वर्क पिंड ना उन्हें सानू पता नहीं सी उस पुछते आए बोर्ड पढ़ते आए हैं देखते हैं भी कितने का किड़ा असी आ गए हूँ रास्ते वाले सू रास्ता दसता सानू उ पहुँचाता हूँ असी जल मर्जी अखा मिच दो अखा मिच के भी आ जाएंगे क्यों रास्ता सानू पता लग गया। और जो सू किसी रास्ते से नहीं पता सू रास्ते की पावे सू अज ये रास्ता भी दसन वाले बिरले ने यह रास्ता पुछण वाले बिरले ने क्यों ने बिरले ये बाणी कहती है अंतर गुरु आराधन जीबा जपकर नेत्री सतगुर पेखला सरबणी सुना गुरनों सतगुर छेती रत्या दरगे पाइए तो कहो नानक कृपा करे जिसन ये बत दे जग मैं उतो काढ़ी है। कोई बहुते नहीं दसिया गिनती नहीं दसी सौ च हजार च नहीं है महाराज कहते हैं जेडी नामी पुरश ने नाम मंगने वाले ने नाम देने वाले ने वो बिरले ने इस तरह प्रसाद सुन बिरले बिरले बंदे तेरे नाम दे व्यापारी बिरले बिरले बंदे तेरे नाम दे व्यापारी
बिरले बिरले बंदे तेरे नाम देव पाई, बिरले ने ओ बंदे तेरे नाम देव पारी, जग में उत्तम काढ़िए बिरले को बहुते नहीं बिरली आत्मा होंदी ने जिहड़ियां बच्चे दे उपर चलदियां ने जां चलण वालियां ने। हुण इधर आप आने गुरु नानक पातशाह दे बारे बेनती करनी मंजूर किने अकाल पुरख वाहिगुरू ने अर्जा कर लिया मंजूर की दिया माता तृप्ता ते मैता कालू दिया सुनवाई होगी और माता जी नो पुत्र दी आशा हुई और फिर राय पौ दी तलवंडी माता त्रिपना की कुख न कत्तक की पूर्णमासी गुरु नानक देव जी महाराज ने अवतार धारण किया। आप पिछे बना के हटे आप दो चार दिन हो गए अवतार धारण किया 33 करोड़ देवी देवता बधाइया दिता माता त्रिपना मैता कालू जी वस्त्र बनते ने सोना दान करते ने बड़े भोजन दान करते ने जो भी किसी ने आके मंग लिया उही दिंदे ने। इन्नी खुशी हुई पुत्र की और साध संगत 33 करोड़ देवी देवता भी आके माता त्रिपता नू बधाइया दिंदा। अजी दे कोले अखा मैं पहला दसी थानू ये अखा ने अन्नी अपनी इन की जिरदा झूठ माया अपने कोशिश करनी गुरु ग्रंथ की बाणी पढ़ के ये कोशिश करनी किसी महापुरुष से लड़ लग के वो जिहड़ी इन्हां चीज़ां नूं चीज नहीं दिंदी अखा नूं असां कुछ दिंदा अखा नूं ये सारा नाशवान एक दिन खत्म हो जूगा धरती खत्म हो दिंदी आ आकाश जी का खत्म हो जूगा बनस्पति जी जी खत्म हो जूगी सब खत्म हो जाऊ। कोशिश ये करनी है जी इन अखा वो चीज नहीं दीदी ओनू कहते ने तीजा नेत्र दिव्य दृष्टि नेत्र भी कहते हैं वो प्राप्त करना जो वो मिल गया फिर थोड़ी कही जी अवस्था बनूगी अब्बल अल्लाह नूर पाया कुतर के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया भले को मंदे हले बनी नहीं है हले बनी नहीं जिसे ये अवस्था बन गई ना ये अवस्था पर ऐसा श्लोक की गदन महाराज जी एता नूर लाहीगा सारी दुनिया नूर लाहीगा सारी दुनिया नूर लाही जा सारी दुनिया नूर लाही
जा सारी दुनिया सारी दुनिया कौन पले को मंदे हर दिल्ली दूर आने नेड़े नहीं दिल्ली है दूर आ जिथे पहुंचना पा कोशिश करो हिम्मत करो कितने दिल्ली पहुंचा किवें पहुंची जाऊ महापुरुष के हुक्म मनन करो कमाओ कमाओ ऐसा कमाओ कि दीन दुनिया पल जाए पता नहीं रहे भी कितने बैठे कितने आए हैं कौन आ कौन नहीं है जो तो ए नेत्रों देखे सब कुछ सारे बच्चे तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू हरे है नहीं हरे बैर चलते ने विरोध चलते ने ईर्षा चल दिया ने जिन्ना चाहिए नहीं खत्म होते उन्ना चाहिए जात नहीं बनते हैं नहीं बनते यही घाट है इस करके साथ संग जी ये अपना जड़ी बिरती है बिरती बनानी है तो हूँ राय भाव की तलमंडी मैं तो कालू तो करता कपड़े दान सोना दान अन्न दान भोजन दान लंगर चलते हैं दुए पासे 33 करोड़ देवी देवता खड़ा फुला की वर्षा करता और बधाइया दिता हूँ भी जे किसी को अख हैगी देख लो उसी आले दुआले 33 करोड़ देवी देवता खड़ा आले दुआले जिनी मर्जी देख लो 33 करोड़ देवी देवता खड़ा क्यों खड़ा जे कोई किसी स्टेट का मुख्यमंत्री आ जाए उसे सारी पुलिस को भजना पै जाते हैं पैदा कि नहीं पैदा भजे जाते हैं अज दुनिया का मुख्यमंत्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिने लोगों का करता धरता जिथे विराजमान उत्थे की ताकत हो 33 करोड़ देवी देवता उसे खड़ा रह जाए नहीं 33 करोड़ देवी देवता फुलों की वर्षा करता आले दुआले खड़े नत बन्नी और तुसी निगाह मारो श्रीमान संत बाबा ईश्वर चंद जी महाराज बाबा किशन सिंह जी महाराज राणा साहब वाले ये कुंडिया नहीं फिरते रहे दीवान के बिच हाजिर रहे तीजी आत्मा संत बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज सिरसा लाहौर वाले वो अज फिरते ने खड़े ने दीवान के बिच हाजिर ने पर देखते क्यों नहीं हले अख नहीं है वो अख प्राप्त करनी पेगी विजय दाते पर सारिया अख दी तो साध संगत जी इस तरह 33 करोड़ देवी देवता राय भाव की तलवंडी मैता कालू माता तृप्त बधाई देंदे ने इस तरह पढ़ो साहब साहिब माता तृप्ता नू मिलन बधाइयां जी माता तृप्ता नू मिलन बधाइयां तृप्ता नू मिलन बधाइयां माता तृप्ता नू मिलन बधाइयां Thank you.
माता देवतन मिल बधाइया जी अज देवतन मिल बधाइया देवतन मिल बधाइया जी अज देवतन मिल बधाइया माता माता देवता मैं बधाइया देवता मैं बधाइया ओ देवता मैं बधाइया देवता मैं बधाइया देवतानू मिल बधाइया देवतानू मिल बधाइया देवतानू मिल बधाइया ओ देवतानू मिल बधाइया देवतानु मेल बधाइया जी माता माता तृप्ता नूं बधाइया मिल लगियां सो आपां पंज सत मिनट लावांगे होर समें दी लंघना नहीं करनी आपां ने यह एक संसार दे विच कहूंगा मैं रिकॉर्ड रहा राणा साहब वाले महापुरशां दा की रिकॉर्ड रहा टाइम दे पाबंद जिते टाइम देता दो मिनट पहला पहुंचना दुकान की समाप्ति करनी है पूरे टाइम के उपर करने चाहे जो कोई मर्जी हो जाए ये मैं अपने अखी देखिया दिल्ली के चार सारी बार का कीर्तन चलता सी महाराज का कोको कोला की कोठी दिल्ली का जोड़ा रेडियो स्टेशन जोड़ा सारी हिंदुस्तान टाइम बना उन्होंने बंदे जो महाराज के दुकान की समाप्ति हुई ना उत्थे वो दिल्ली की नैशनल घड़ी का टाइम बनाने वास्ते आए उत्थे पूछा तुसी क्यों आए बई कहते सानू पता है असं चैक किया है असं चैक करते हैं महापुरश राणा साहब वाले के टाइम के बड़े पाबंद से अज महापुरश दुकान समाप्त होते हैं कदे असं टाइम बना रहे हैं एडे बड़े टाइम के पाबंद से महापुरश राणा साहब वाले मैं तो देखो ये चीज़ कहूँगा दुनिया कहती संत सी चलो संत कहते थे जिन श्रद्धा दुनिया कहती साधु सी चलो कहते जिनी श्रद्धा पर मैं अपनी जिंदगी में 85 साल की मेरी उम्र हो गई मैं जब तो संत महाराज का लड़ फड़िया राणा साहब वाले का मैं अपनी जिंदगी संत नहीं कहा मैं
नहीं नहीं मैं तो रब रब नू भी बड़ा मानता सी उन्होंने रब भी कुछ नहीं है रब की है रब ने जन्म दिता दिता जन्म जो जन्म दिता रब ने जन्म लगे रोने क्या क्या करते हैं मुड़ के थोड़े जे बड़े होने लग गए फिर नशा पत्ता च पै गए फिर रोने वो फिर रब ने जल के उन्हें सू बरू क्या नहीं बनाता बी जे एड्डी बड़ी शक्ति थी जल के उन्हें बनाता नहीं जो मात लोग दे विच आए साड़ी उम्र संभली किसी संतां दा मार्गदर्शन मिल गया उन्हें संतां ने रास्ता दस्या भी की दसवां द्वार आ की ये होगा ता पता लग गया सानू नहीं तो नौ दरवाजे बंद से क्यों नहीं खोले नौ दरवाजे बंद से पर नौ दरवाजे किने खोले आके मां पुछा ने नौ दरवाजे खोलते ते ए महाराज के नौ दरवाजे प्रगट किए दसवां गुप्त नौ दरवाजे खुले ने जिन्हों को गुरु ग्रंथ साहब नहीं है और जरा दसवां गुप्त उपरला वो गुप्ता वह बनता है इस करके दर्शन दिता बाजे के बारे महाराज ने यह किने दिता तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने उन्हें दिता तो आप पढ़ा धारना तो की दिता उस बाद गुरु स्तोत्र महाराज की अरदासा अरदासा तो बाद महाराज का हुक्मनामा जो महाराज जी अपने स्थान के ऊपर पहुँच जा फिर आप सारे ने ही लंगर में जाना लंगर छकना भी है लंगर की सेवा भी करनी है ये नहीं भी छकना ही है ना ना सेवा भी करो वो ता ही आदमी होगा नहीं आदमी नहीं होनी मंगे की रोटी ये ध्यान कर लो सेवा करोगे ता होगी तो इस तरह भाई ये पढ़ो तारना ये वचन श्री गुरु अमरदास जी महाराज के ए मनसा दी बाणी विच ने अजा पढ़ो सो सो बजदाए बजा पौण दा बजाया 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 Thank you.
बजदाए कौन बजाया बजदाए बजा कौन बजाया ਬਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਦੂਏ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾਲਪੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਜਾ ਬੂਜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ गुरु श्लोक पढ़ा बेशक मर्यादा गुरु स्त्रोत्र की है पर एक ही है शब्द भी एक ही आ जाता गुरु स्त्रोत्र भी एक ही आ जाता यह समा हो गया लंघना भी करती है परे माफी मंगते मार चाहना लंघना होने की चाहिए टाइम भी इस करके सारिया संगत ये तीन जवानों की कृपा गुरु नानक पातशाह ने मंगे चौधरी के परिवार को हूँ मैं मंगा चौधरी कहना मैं किसी मंगा सिंह बना देना बनाऊ थोड़े सामने बनाऊंगा हरे लगे ने सिंह के नाम को ये सिंह ला देने रहे सिंह बन जाता हरे मंगा आराम की है की गई है ਕੱਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰੇ ਮੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆਪ ਸੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਰਾਏ ਭਾਉ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੌਸ਼ਕ ਦੱਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਨੀ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲਓ ਹੋਕਾ ਮਾਰਨਾ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਓ ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਲਾਓ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ
ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਕੰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਨ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਲੱਗੂ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਮਾਦੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਨਿਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ਰਹਾਓ। ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਨਿਰਗੁਨਿਆਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਤੁਮ ਕਰਹੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ। ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਤੁਮ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ। ਤੁਮ ਨਿਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਾਂਚੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹ ਹਵਾਲਾ, ਰੱਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਤੁਮ ਨਿਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਾਂਚੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹ ਹਵਾਲਾ, ਰੱਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।